नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर पढ़ी नमाज। राह चलते व्यक्ति ने वीडियो किया वायरल। सीडीओ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही एसपी सिटी को कार्रवाई के लिए किया गया है निर्देशित। एसपी सिटी ने कहा, नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति की जा रही है तलाश, की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तीन थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं करने वाले चार अभियुक्तों को पिपराइज व शाहपुर थाने की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 15 जोड़ी सफेद धातु की पायल, 6 जोड़ी सफेद धातु की बिछिया, 1 जोड़ी पीली धातु का झुमका, 4 नाक की कील पीली धातु सहित चोरी का अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय रेल द्वारा 18 से 23 जुलाई तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक सप्ताह का चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर हुआ समापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता व नहीं कर सकता है अपने भविष्य का निर्माण। लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 300 रुपए नगद, घटना में प्रयोग डंडा किया बरामद, भेजा जेल। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। सीडीओ ने कहा, जनपद के 6,40,000 घरों में तिरंगा फहराने का है लक्ष्य, हर घर में तिरंगा का किया जाएगा वितरण। कुसमेही जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर वन विभाग ने लगाया प्रवेश निषेध का बोर्ड। डीएफओ ने कहा, अपराधी तत्व के लोगों को रोकने के लिए जंगलों में गश्त के लिए फॉरेस्ट कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न। ने कहा, आड़े टेढ़े और पूरा नंबर ना लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों में विलम्ब होने पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जनपद में शुक्रवार की शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बेतिहाता हनुमान मंदिर स्थित सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर नमाज पढ़ा, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने बुजुर्ग का नमाज पढ़ते वीडियो बना लिया और बुजुर्ग को डांटा भी, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि वह अस्पताल में इलाज कराने आया था और जगह नहीं मिली तो यहाँ पर नमाज पढ़ ली, जबकि सीडीओ के गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। उन्होंने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की लेकिन बुजुर्ग नहीं माना, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे आवास के बाहर नमाज पढ़ी। लगभग 8 बजे एक व्यक्ति द्वारा मुझे फोन करके बताया गया और वीडियो भी भेजा गया, जिस पर कार्यवाही करने के लिए एसपी सिटी को निर्देशित किया गया है। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ा गया, जिसका रास्ते चलते व्यक्ति द्वारा वीडियो बना लिया गया और वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके संबंध में वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि वह नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन वीडियो में नमाजी व्यक्ति बता रहा है कि वह इलाज कराने के लिए शहर में आया था और गोरखपुर का रहने वाला नहीं है, लेकिन सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि उस
व्यक्ति का पता लगाकर उस पर कार्रवाई किए जा सके, क्योंकि किसी के घर के सामने या पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना गलत है, जिसके लिए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना एवं SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। गोरखपुर में हनुमान मंदिर के बतियाहता हनुमान मंदिर के उत्तर तरफ IAS संजय कुमार मीना के गेट पर इन माननीय को नमाज पढ़ने की जगह मिली है। इनको और कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो ये गोरखपुर में IAS के गेट पे ही नमाज पढ़ रहे हैं। ये गोरखपुर है, IAS के घर के सामने नमाज पढ़ा जा रहा है गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में कहीं और जगह नहीं मिला है आप एक IAS के गेट पे आकर के नमाज पढ़ रहे हैं? किस मानसिकता से पढ़ रहे हैं? किस मानसिकता से आप पढ़ रहे हैं? पेशेंट लोग आया है, पेशेंट लोग आया, आप यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये नमाज पढ़ने की जगह है? क्या छोड़े अपनी गलती क्यों छोड़े? आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? नहीं, साथ में है। साथ में है तो क्या मतलब? साथ में आप भी हैं? चलिए, आए हम लोग दवा कराने हैं। आप दवा कराने आए हैं, मेरा सिर्फ एक उससे मतलब नहीं, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आपको क्या जगहों की कमी दिख गई जो आप एक IAS के गेट पर आकर के नमाज पढ़ रहे हैं? मैं तभी से रिकॉर्डिंग आपकी कर रहा हूँ, आप फेसबुक लाइव पे चल रहे हैं। तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर। अरे सर, गलती ऐसे होती है? आप गलती नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं ऐसा उम्मीद था। क्या नहीं उम्मीद था आपको? क्या नहीं उम्मीद था आपको? अब क्या करिएगा, हम करेंगे नहीं। आप यहाँ नमाज क्यों पढ़े? आप जानबूझ के नमाज पढ़े हैं? आपको क्या? एक मिनट शांत रहिए, ड्राइवर साहब शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ऐसी बात नहीं है कोई। आप हमको सिर्फ दो बात का जवाब दीजिए, क्या आपको अगल बगल जगह नहीं दिखा है? जगह नहीं दिखा है? आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? जगह जाके बताइए, वो जगह कहाँ पे, वहाँ जाके बताइए, बिल्कुल जाके बताइए, बिल्कुल जगह पे जाके बताइए। प्रशासन के लोग आप लोग भी हैं सर, आपसे भी दो बात करेंगे। क्या आपको वही जगह मिली है? उसके अलावा कोई जगह नहीं था? अब ये जो है वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। तो साफ सुथरा आप IAS के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे? बाहर आप, वो गेट है, अंदर एंट्री का मार्ग है वो। जो भी बात हो, हम गलती अपनी स्वीकार करते हैं, अब क्या करिएगा? गलती नहीं है, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह। जान पकड़िए, आप पहले तौबा करिए, तौबा करिए। सुनिए, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्या सुने आप? तौबा, जमाना बदल गया। एक मिनट मेरी बात सुनिए, तौबा कर, सुनिए, जमाना बदल गया। चलिए, हाथ फैलाना चाचा बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे नमाज पढ़ना। आप लोग यहाँ पे देख रहे थे नमाज पढ़ते हुए, आप लोगों ने देखा, रिकॉर्डिंग में आप लोग भी हैं, यहाँ से झांक करके देख रहे थे। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, कुछ बोला क्यों नहीं? आप लोग का मन भर चुका है? सीधा सीधा प्रश्न मेरा है, आप यहाँ गेट पर नमाज पढ़वा रहे हैं, आप किस हैसियत से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ नमाज पढ़ने की जगह है ये? आप यहाँ नमाज पढ़ने देंगे तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, मना क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं मना किए? आप सभी लोग थे, मैंने सबको देखा है, आप भी तो देख ही रहे थे। मैंने देखा, मैंने विरोध किया, आप क्या किए हैं? हम तो बोला जाए, क्या बोला जाए? आपने नहीं बोला है, आपके पीछे 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है। इस दुनिया में कहीं नमाज 1 मिनट 1.5 मिनट में अदा नहीं होती है। 1.5 मिनट में IAS का गेट को टारगेट कर दिया गया, आपको अंदाजा नहीं मिल रहा इससे? वीडियो वायरल होगा जो आपकी आवाज का है, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर नमाज पढ़ रहा है सर, क्या मामला है?
कल लगभग 5 से 6 बजे के बीच में एक व्यक्ति ने फ़ोन करके हमें बताया कि हमारे आवास के बाहर किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नमाज अदा की जा रही थी, जिसके संबंध में जब वीडियो हमें प्राप्त हुआ तो हमने इसके लिए जो एसपी सिटी हैं कृष्ण विष्णोई, उनको तत्काल इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया। सर आगे क्या उनके द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी, इसमें हमारे स्तर से उनको अवगत करा दिया गया। सर वहाँ पे गार्ड भी थे, वो आदमी व्यक्ति आरोप लगा रहे, किसी ने उसको बोला नहीं। गार्ड जो है उनके जो आरोप है उसकी जांच की पुष्टि भी एसपी सिटी करेंगे, उसके बाद अगर कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। जनपद गोरखपुर के सीडीओ श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी, उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है एवं वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया, कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं, और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था, तो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसको उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें आरोप लगा रहे जो गार्ड है किसी ने बोला नहीं, ऐसा कोई अभी तक प्रथम दृष्टया सिर्फ इतना ही मामला संज्ञान में आया है कि उसने पब्लिक प्लेस है जो कि किसी व्यक्ति का प्राइवेट आवास है, उस आवास के बाहर पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ी है जो कि एक निंदनीय कृत्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच कराई जा रही है, SHO साहब मौके पर हैं, जांच उसकी कर रहे हैं, उसी को देख करके आगे क्या क्या आपने कुछ मांग चला है, व्यक्ति कहां था, अभी जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच का रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है। जिला अधिकारी कृष्णा करो ने SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पूरे जनपद में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना समाधान दिवस में आई समस्याओं का निस्तारण किया गया। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं फरियादियों को थाना समाधान दिवस में दोनों पक्षों को बुलाकर उनके समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है, और जिन मामलों का नहीं हो पा रहा है उन मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व ज्वाइंट टीम मौके पर जाकर के समस्याओं का निस्तारण करेगी और निस्तारण के फीडबैक सभी से प्राप्त किए जाएंगे। इस अवसर पर CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह, गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बनाएदारी एक मधुर संबंध है, जिसमें कुछ पैसे नहीं करके मधुर संबंध को बनाए रखा जाता है, लेकिन आप तो न्यायालय जा रहे हैं सर, आपने किराया लिखा मुझको जरूरत नहीं थी, मैंने दिए थे किराए पे, आज मुझको जरूरत है किराया लौटा आपके लिए काम कराने का, तो ये ढेर साल हो गया भेजा है, उन्होंने मैंने स्वीकार कर दिया है, लगा हुआ नहीं किया हम वो तो रहा है, अभी तो कुछ हम कविताएं करेंगे, कब कब बताएं, समय समय बताएं, नहीं खाली कर रहे हैं सर, कोर्ट भी गए हैं तो मैं खाली कर दे सर, बगल में मिल रहा है, बगल में खाली हमारे यहाँ तो बस यही मैं देखता हूँ, हम देखेंगे ना कि इनका हिस्सा कितना है, हिस्से में कितना
देखिए पूरे जनपद में सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को जो होता है वो हो रहा है। इसी क्रम में आज हमारे डीएम साहब यहाँ पर थाना गोरखनाथ पर उपस्थित हैं और जो भी प्रार्थीगण आ रहे हैं उनकी समस्या को सुनकर उसका निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य दिनों में सोमवार से लेकर के और फ्राइडे तक जो भी प्रार्थना पत्र राजस्व और पुलिस की टीम जिसमें ज्वाइंट रूप से जाना है जमीन संबंधी है उनके भी रिकॉर्ड रख करके उनको भी थाना दिवस पर बुलाकर आज उनका समाधान करने को निर्देशित किया गया है। आज ही के दिन जो है राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम जाकर उसका निस्तारण कराएंगी और जो निस्तारण होता है उसका क्या फीडबैक है और क्या उसका रिजल्ट है उसको भी शाम को सभी थानों से प्राप्त किया जाएगा। ये एक बड़ी ही अच्छी प्रथा और प्रक्रिया है जिसके तहत त्वरित जो है कार्रवाई करने का प्रावधान है और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। मैटर्स आ रहे हैं आबादी का प्रकरण आ रहा है शहर का क्षेत्र कुछ माननीय न्यायालय का उसका अनुपालन कराना है इस टाइप से केसेज आ रहे हैं जो संगठित रूप से रिलेटेड तो अभी टीम बना के भेजी जा रही है। इस संदर्भ में कप्तान साहब ने भी एक छुट्टी बनाई है उनके कार्यालय में जो चार पाँच दिन से कंप्लेन की भी समीक्षा कर रहे हैं कि थाने लेवल पे क्या कर रहे हैं। पिपराइज व शाहपुर थाने की पुलिस ने तीन थाना क्षेत्रों में चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जंगल तिकोनिया नंबर 3 नर्सरी जाने वाले रास्ते पर पुलिया के आगे से चार अभियुक्तों व चार बाल आबचारी को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान कामदेव सिंह स्वर्गीय रामकिशन सिंह निवासी व्यास नगर वधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर दूसरा सूरज पांडे उर्फ कल्लू पुत्र सुनील पांडे निवासी अमीना नगर कॉलोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर तीसरा रवि कुमार पुत्र इंद्रकेश निवासी ग्राम हुलिया परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर हाल पता मोहनापुर चौकीदार टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर चौथा विपिन कुमार पुत्र व्यास मुनि निवासी परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर सहित चार बाल आबचारी को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 15 जोड़ी पायल सफेद धातु का 6 जोड़ी बिछिया सफेद धातु 1 जोड़ी झुमका पीली धातु 2 मंगलसूत्र पीली धातु 4 नाक की कील पीली धातु 1 जोड़ी कान की बाली पीली धातु 1 मोबाइल सैमसंग एंड्रॉयड व 1 अदद घड़ी काले रंग की 5020 रुपए नगद 1 एलईडी लाइट 1 डीजे लाइट 1 डीजे की मशीन 1 डिजिटल एम्पलीफायर 2 छोटा बुफर स्पीकर 100 वाट एसी और डीसी कन्वर्टर 1 बाल काटने की ट्रिमर मशीन 1 छोटी बैटरी 1 बड़ी बैटरी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों द्वारा सर्वप्रथम उन घरों की रेकी की जाती है जिसमें ताला बंद हो और साथ ही साथ उस घर में कोई व्यक्ति निवास ना कर रहा हो। अभियुक्तगण द्वारा सुबह करीब 10 बजे एवं शाम करीब 4 बजे रेकी कर इस बात की पुष्टि की जाती है कि चोरी करने वाले घर में ताला बंद है कि नहीं। इस बात की पुष्टि हो जाने के उपरांत रात्रि में करीब 11 से 12 बजे अभियुक्त एवं बालाबचारी द्वारा चोरी करने वाले चिन्हित घर में घुसकर चोरी की जाती थी और सारे सामान चोरी कर लिए जाते थे। अधिकतर वयस्क घर में घुसकर चोरी की जाती थी और बालाबचारी द्वारा स्थानीय लोगों एवं पुलिस की निगरानी में कार्य किया जाता था। इसी क्रम में अभियुक्त व बाल आबचारी के कब्जे से थाना पिपराय क्षेत्र थाना शाहपुर क्षेत्र व थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का सामान बरामद हुआ है जिसमें अभियुक्त व बाल आबचारियों द्वारा जुर्म को कबूल भी किया गया है जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह उपनिरीक्षक रामचंद्र राय नागेंद्र मणि दिनेश कुमार शाहनी अनुप कुमार तिवारी विकास मिश्रा अशोक कुमार सिंह हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय राम हेड कांस्टेबल सुरेंद्र त्रिपाठी हबीब अहमद भानु प्रताप सिंह कांस्टेबल प्रदीप कुशवाहा गौरव शुक्ला अंगद कुमार अखिलेश यादव दिनेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा और किसी का आधार कार्ड नहीं है सीसी डीवीआर सब कुछ है सब कुछ मिल गया डीवीआर नहीं मिला है ये पता करवाइए ब्रह्म किसी की भी आया
देखिए चलिए थैंक यू एक मिनट लिखा हुआ है एक मिनट मैंने सबका कोई 302 में गया संबंध था ना सुन जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना पिपराइच एवं शाहपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया गया, जिसमें चार बालापचारी एवं चार अन्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उनके पास से 13 विभिन्न चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने 15 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 6 जोड़ी बिस्वा सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी झुमका पीली धातु, 2 मंगलसूत्र, 2 नाक की कील, 1 कान की बाली, 1 मोबाइल और 1 काले रंग की एडिफाइस केशियो की घड़ी एवं उसके साथ साथ 50,020 रुपये नकद इनके पास से बरामद हुए हैं। एक अन्य जो इन्हीं गैंग का सदस्य है, इसके पास से जो बैटरी चोरी का काम करता था, उसके पास से बैटरी, एक डीजे की मशीन, एक डीजे की लाइट, एलईडी लाइट एवं अन्य चीज़ें बरामद हुई है। ये लोग अभ्यस्त चोर हैं। इनके पास से 6 पिपराइच जनपद में पिपराइच थाने में की गई चोरियां एवं 6 ही शाहपुर थाने में की गई चोरियां एवं 1 कोतवाली में की गई चोरियों का सफल अनावरण आज किया जा रहा है। इनका मास्टरमाइंड कामदेव सिंह उर्फ कल्लू है, जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है एवं कल्लू 302 के अभियोग में भी जेल गया था। वो अभी कुछ दिन पहले ही छूट के आया है एवं वह इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है और वह साइकिल द्वारा जिन घरों में चोरी करनी है उनमें रेकी करता है एवं उसके बाद में गैंग के अन्य सदस्यों को ले जाकर चोरी को अंजाम देता है। इन लोगों ने शाहपुर एवं पिपराइच थाना क्षेत्र में पिछले 3-4 महीने से कहर बरपा रखा था और इस सफल अनावरण के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में चोरियों पर पूर्णतः नहीं, ये लोग चोरी एवं नकबजनी ही करते थे एवं अभी तक 13 मुकदमे प्रकाश में आए हैं जिनमें इन्होंने चोरी एवं नकबजनी की है। थैंक यू। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय रेल द्वारा 18 से 23 जुलाई तक मनाए जा रहे आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह का समापन चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र द्वारा किया गया तथा इस समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि भारतीय रेल द्वारा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक एक आइकॉनिक वीक मनाया गया है, जिसमें आज़ादी से जुड़े 75 रेलवे स्टेशन चिन्हित करके उन स्टेशनों पर कार्यक्रम किए गए। इसके साथ ही 25 रेलगाड़ियों को भी चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा कांड हर बच्चे के दिमाग में पहुंच जाए। नई जनरेशन के लोग नहीं जानते कि आज़ादी की लड़ाई को कैसे लड़ा गया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के चौरी चौरा और बलिया स्टेशन आज़ादी के लड़ाई से कैसे जुड़े थे, ये सभी को बताया गया। इस अवसर पर CPRO पंकज कुमार सिंह सहित रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, सत्तावन की क्रांति के महानायक मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। अंग्रेजी सेना में रहते हुए अंग्रेजों के आदेश को ठुकरा कर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। क्रांति की इस चिंगारी ने धीरे धीरे ज्वाला का रूप ले लिया।
देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये वो दौर था जब पूर्वोत्तर रेलवे को बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता था। इसी दौरान 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ट्रेन के माध्यम से भटनी, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा, कुसुमही रेलवे स्टेशन होते हुए गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारी संख्या में लोगों को संबोधित किया। असहयोग आंदोलन को इस क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा था। तभी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवा दी। जवाबी कार्यवाही में स्थानीय जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीक चौरी चौरा थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसका गवाह रहा पूर्वोत्तर रेलवे का चौरी चौरा रेलवे स्टेशन। इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलन को कुचलने के लिए 19 लोगों को मृत्युदंड तथा 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन शहीदों की स्मृति में चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है तथा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शहीदों के सम्मान में चौरी चौरा एक्सप्रेस चलाई जाती है। सन 1942 देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान 19 अगस्त 1942 को यानी कि देश की स्वतंत्रता से लगभग 5 वर्ष पूर्व ही आजादी के दीवानों ने महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया को आजाद करा लिया था, जिसके कारण बलिया को बागी बलिया के नाम से जाना गया। 15 अगस्त 1947 को पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आजादी के रंग में रंग गया। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम उन तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं या जिनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में पूर्वोत्तर रेलवे नए रंग एवं स्वरूप में यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर है। Come on.
आमंत्रित करना चाहूँगा सुभाषी का कि वह आए मंच पर और देशभक्ति गीत से इसका शुरुआत करें। पीतमपुरा देवी शक्तिपीठ, पुरी में भगवान जगन्नाथ बिंदा देवी शक्तिपीठ, कोणार्क में सूर्य मंदिर, जयपुर में गणा देवी शक्तिपीठ नदी गया और मंगल गौरी शक्तिपीठ, काशी में इस तरह से अलग अलग जगहों की हम भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अमूल्य सांस्कृतिक संस्कार हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय श्री प्रहलाद जोशी जो की माननीय मंत्री हैं संसदीय कार्य कोयला एवं खान मंत्री, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनके संबोधन का। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर माननीय आपके संबोधन के लिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कृपया हमें शुभकामनाएं दें आज के शुभ अवसर पर और अपना आशीर्वाद दें। और सज्जनों, तो मुझे अनएक्सपेक्टेडली ये तो बहुत अनिरीक्षित रूप में इसमें भाग लेने का एक मौका मिला और आने के बाद पता चला कि इतने बड़ी मात्रा में लोग सभी देश से जुड़े हुए हैं। मैंने अश्विनी जी को ऐसे माने, अश्विनी जी जो मेरा बहुत अच्छे मित्र है, मैं कल ऐसे उनको मजाक में कहा अपने धारवाड़ आइकॉनिक स्टेशन पर मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपने उसको भी सिलेक्ट किया है लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं है, ऐसे मैंने उनको हंसी मजाक में कहा। उन्होंने बोला मैं आपको चीफ गेस्ट कराता हूँ, आप आ जाइए करके। मैंने सोचा तब धारवाड़ का इंटरेक्शन है तो मैंने सोचा था कि ये कार्यक्रम वर्चुअली है इसलिए मैं वर्चुअली ऑन करके घर में बैठा था देखने के लिए, लेकिन बाद में माननीय अश्विनी जी का भी फोन आया और आपके अधिकारी भी आके बहुत आग्रह पूर्वक इधर लेके आया, लेकिन इधर पहुंचने के बाद मुझे लगा अगर इधर मैं नहीं आता तो मैं बहुत बड़ा मेरे से भूल होता था क्योंकि इतने बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी जो है उन लोगों का आशीर्वाद मिला और सारे देश में देश से जो 75 आइकॉनिक स्टेशन से जो हमारे स्वतंत्र सेनानी जो जुड़े हुए है तो उन लोगों का भी आशीर्वाद हम सब लोगों को जो प्राप्त हुआ है इसलिए मैं धन्य अपने आप में धन्य महसूस करता हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उपलक्ष्य में अलग अलग से स्वरूप के विशिष्ट कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ऐसे जब हम बैठे हुए थे कैबिनेट में, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर एक बरस डेढ़ बरस पहले 75 साल का एक कार्यक्रम कैसे करना चाहिए एक चर्चा चल रहा था। हमने अपने आप हमने कुछ विचार रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया सोच और नया विचार हमारे सामने रखा। तो 75 ईयर्स का एक कार्यक्रम तो करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आप सब लोगों को सोचना चाहिए, हमको कहा कैबिनेट मंत्रियों को, कि सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तो करना ही डिपार्टमेंट ने, अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी देश 2047 में कैसे रहना चाहिए ये सोच लेके आपको आगे बढ़ना है, और उनके आप अपने आप एक प्रेजेंटेशन भी देश कैसा रहना चाहिए 2047 में हमारा सामने रखा, और उसको तुरंत मोदी साहब ने एक नाम भी दिया, वो है अमृतकाल। तो ये अमृतकाल के कालखंड में हमको देश को आगे कैसे लेके जाना, ये सोचते सोचते ऐसा जो कार्यक्रम आज रेलवे विभाग ने जो आयोजित किए है, ये आयोजन करना शुरू हुआ। Why I am telling this is, अगर कोई देश और देश के आज का जो पीढ़ी है, the present generation, if they do not understand their past history, तमिलनाडु के मदुरई से शुरू हुआ है, और ये मदुरई से होते होते सारे देश के प्रमुख जगहों में हमारे पवित्र यात्रा स्थल में जाते जाते एक सप्ताह से ज्यादा 14 दिन सप्ताह है, कितना दिन चलेगा ये ट्रेन, 12 दिन ये ट्रेन चलेगा। सभी हमारा जो पवित्र स्थान है उधर दर्शन होगा, तो ऐसे भी रामायण दर्शन का भी एक कार्यक्रम एक ट्रेन चला रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल सोचे है कि भारत अभी दुनिया के, मैं समझता हूं स्पेशली पोस्ट कोविड जो है, इन कंपैरिजन विद द वर्ल्ड भारत बहुत अच्छी सामना हमने कोविड के समय पे हमने सामना किया है, वी हैव फेस्ड इट। I am not telling that COVID कोरोना पूरा खत्म हो गया, ऐसे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जब शुरुआत का कोविड का भयानक स्थिति था, उस समय से लेकर आज तक जो हमका निर्वहन किया है, हैंडल किया है, अगर वो देखते हैं तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, उसमें भारत, इंडिया इज गोइंग टू प्ले ए लीड रोल इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बहुत जगह जगह पर अभी वंदे मातरम ट्रेन आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो गुड्स गाड़ी तो बहुत एक समय में हमारा जो पार्सल और गुड्स का शेयर था बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं रेलवे के भी थोड़ा जनरूड ट्रेन वेरी लार्जर एक्सटेंट, इवन नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ देयर इज अ कंफर्टेबल नाइट ट्रेन वेयर द जर्नी टाइम इज नॉट मच वेस्टेड है, और जहां तक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, उधर स्वयं महात्मा गांधी जी आए हुए थे और रविंद्रनाथ ठाकुर जी धारवाड़ रेलवे स्टेशन में आए हुए थे, इसीलिए मुझे लगा कर रहा है, उसके लिए आपका पूरा आशीर्वाद हमें दे दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है कुछ देर मंच पर ही रुक जाएं, हम हृदय से आभारी हैं कि आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं निवेदन है स्मृति चिन्ह भेंट करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति ने हम सबका उत्साह, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसमें भारतीय रेल 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक एक आइकोनिक वीक मनाया गया है,
जिसमें जो आज़ादी से जुड़े जो 75 रेलवे स्टेशन उन्हें चिन्हित किया गया, उस पर कार्यक्रम किया गया और 25 रेलगाड़ियों को भी चिन्हित किया गया था। उसी क्रम में हमने 18 को यहाँ उद्घाटन हुआ था। जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, जो फेमस है, जिसको जिसका चौरी चौरा स्टेशन का नाम आते ही चौरी चौरा कांड हर बच्चे के दिमाग में पहुँच जाए, यही प्रेरणा थी। क्योंकि जो अब लोग जो जवान हैं वो आज़ादी के बाद की जनरेशन है, वो नहीं जानते कि कैसे इसको लड़ाई को लड़ा गया, क्या उसमें योगदान था। और जैसा आपने अभी भाषण में सुना, मंत्री जी ने भी कहा कि जो पीढ़ी, जो व्यक्ति, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो उसी में भारतीय रेल का योगदान है, जन भागीदारी है कि सबको जागृत किया जाए, सब जानें चौरी चौरा और बलिया जो हमारे दो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, वो आज़ादी की लड़ाई से कैसे जुड़े थे। उनके जो परिजन हैं उस स्वतंत्रता संग्राम के, उनको बुला के सम्मानित किया गया, कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, सेल्फी पॉइंट लिए गए, एग्जीबिशन लगाए, ताकि आज का जो बच्चा है, जो युवा पीढ़ी है, वो जान सके और भागीदारी, अपनी भागीदारी कर सके इस आज़ादी की लड़ाई से, अपने को एसोसिएट कर सके कि 75 साल पहले जो हमारा जो आज़ादी मिली थी 1947 में कैसे मिली थी, क्यों, क्या क्या हमारे लोगों ने तकलीफें सही थी, उनको पता चले। कैंट पुलिस ने लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को जेजे बोर्ड ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपक शाहनी पुत्र रविंद्र शाहनी निवासी ग्राम डुहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, दूसरा राहुल साहनी पुत्र कन्हैया साहनी निवासी ग्राम बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में छीने गए 300 रुपए व घटना में प्रयुक्त बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 19 जुलाई को रात्रि 10:30 बजे छात्र संघ चौराहे के पास हम लोगों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था, तथा जब उस व्यक्ति ने विरोध किया तो उसे डंडे से सर पर वार किए तथा उस व्यक्ति के जेब से झपट्टा मारकर 300 रुपए छीन लिए थे। हम लोगों ने इसी तरीके से आसपास के क्षेत्रों में कई अन्य घटनाएं भी की है। घटना के दौरान बाइक दीपक चला रहा था तथा पीछे बैठा राहुल शाहनी ने झपट्टा मारकर 300 रुपए छीन लिया था, तथा मोबाइल छीनने पर विरोध करने पर राहुल शाहनी द्वारा उस व्यक्ति के सर पर वार किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रवि कुमार राय, महेश कुमार चौबे, राजवंत सिंह, कांस्टेबल यशवंत सिंह, राहुल कन्नौजिया, शरद यादव शामिल रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर पढ़ी नमाज, राह चलते व्यक्ति ने वीडियो किया वायरल। सीडीओ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही एसपी सिटी को कार्रवाई के लिए किया गया है निर्देशित। एसपी सिटी ने कहा, नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति की जा रही है तलाश, की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी कृष्णा करू ने SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए अवश्य दिशा निर्देश। तीन थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं करने वाले 4 अभियुक्तों को पिपराइज और शाहपुर थाने की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 15 जोड़ी सफेद धातु की पायल, 6 जोड़ी सफेद धातु की बिछिया, 1 जोड़ी पीली धातु का झुमका, 4 नाक की कील पीली धातु सहित चोरी का अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय रेल द्वारा 18 से 23 जुलाई तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक सप्ताह का चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर हुआ समापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता व नहीं कर सकता है अपने भविष्य का निर्माण। लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 300 रुपए नगद, घटना में प्रयोग डंडा किया बरामद, भेजा जेल। एक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। सीडीओ ने कहा, जनपद के 6,40,000 घरों में तिरंगा फहराने का है लक्ष्य, हर घर में तिरंगा का किया जाएगा वितरण।
उसमें ही जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर वन विभाग ने लगाया प्रवेश निषेध का बोर्ड। डीएफओ ने कहा, अपराधी तत्व के लोगों को रोकने के लिए जंगलों में गश्त के लिए फॉरेस्ट कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न। ने कहा, आड़े टेढ़े और पूरा नंबर ना लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करूर ने इसने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों में विलंब होने पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है
7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाए, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसलिए मेरी जनपद के सभी नागरिकों से अपील है कि अपने घरों पर एक सप्ताह तक तिरंगा फहराएं, क्योंकि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, जिसको लेकर पूरे जनपद में विभिन्न तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे जनपद का लक्ष्य 6,40,000 है। प्रयास है कि जनपद के हर घर पर तिरंगा लगाया जाए, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगे का निर्माण कर रही हैं तथा 2,00,000 तिरंगा शासन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो माह के अंत तक प्राप्त हो जाएगा, जिसको हर घर पर वितरण करके अभियान को सफल बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए हर घर तिरंगा अभियान जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया, भारत सरकार ने इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में हर घर तिरंगा का एक सप्ताह मनाया जाना है, जिसके अंतर्गत हर घर पर जो हमारा तिरंगा है उसको लगाया जाना है, क्योंकि इस बार जैसा आप सभी अवगत हैं कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो 6.4 लाख, मतलब 6,40,000 का लक्ष्य है, बट हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे घर हैं, जितने भी गोरखपुर की आबादी है उसके अनुरूप हर घर पर तिरंगा लगाया जाए। इसके लिए जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं वो तिरंगे का निर्माण कर रहे हैं तथा करीब 2,00,000 तिरंगे हमें शासन द्वारा उपलब्ध भी कराए जाएंगे, जो इस माह के अंत तक हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा के लोगों को प्रेरित करके इस अभियान को सफल बनाया जाए। तिरंगे के कुछ रेट भी निर्धारित किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो संपर्क करेगा। तिरंगा का जो रेट है वो जो हमारा प्लास्टिक का तिरंगा है वो उसका रेट 15 से 20 रुपए के बीच में है, और जो हमारा सूती कपड़ा या खादी कपड़े का जो है उसका रेट जो निर्धारित किया गया शासन द्वारा 25x30, उसका रेट है 50 से 100 रुपए के बीच में। वन प्रभाग के तिनकोनिया रेंज के कुसमही जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर वन विभाग द्वारा प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाया गया है, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुसमही जंगल में अनावश्यक रूप से लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसका फायदा अपराधी तत्व के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जंगल के जितने भी बिना आवश्यक रूप के प्रवेश मार्ग हैं, वन विभाग द्वारा उन मार्गों को बैरियर के माध्यम से बंद किया जाएगा तथा इसके साथ ही सभी मार्ग पर चेतावनी वाला बोर्ड भी लगा दिया गया है कि जंगल में प्रवेश करना मना है। उन्होंने कहा कि जंगलों में गश्त के लिए फॉरेस्ट कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, अगर अनाधिकृत जंगल में प्रवेश करने वाले लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूल के साथ जेल भेजा जाएगा तथा साथ ही साथ अनाधिकृत वाहन जंगल में प्रवेश करते हुए पाए जाते हैं तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा कि अभी का पिछले कुछ समय से लगातार हमें खबर मिल रही थी कुसमही जंगल में जो है लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहे हैं, और जो लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहे हैं तो उनका इसका गलत फ़ायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जंगल घना है और उसमें अगर बिना परमिशन के कोई प्रवेश करता है, कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं तो उस वजह से जो कुछ लोग जो अपराधी तत्व हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसमें क्या अपराधी घटनाएँ बढ़ती जा रही थी, तो इस संबंध में हम लोगों ने एक समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्लान बनाया है, और इस प्लान का चार अहम बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि इसमें जितने भी प्रवेश मार्ग हैं
जो कि आवश्यक नहीं है और वन विभाग अपने प्रयोजनार्थ उसको इस्तेमाल करता रहा है, तो उन मार्गों को हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने का एक तो सुरक्षा खाई हम लोग खुदवा रहे हैं, दूसरा उसमें बैरियर लगवा रहे हैं। जो अति आवश्यक मार्ग हैं किसी गांव के लिए जा रहे हैं वो लोग वो मार्ग यथावत खुले रहेंगे, लेकिन जो ऐसे मार्ग हैं जिनका आम जनता उपयोग किसी भी तरह से नहीं करती है उसको हम लोग बैरियर लगा के बंद करवा देंगे। पहला ये हम लोगों ने काम किया है ताकि अनावश्यक रूप से कोई प्रवेश ना कर पाए। और इसी को बताने के लिए जितने भी हमारे प्रवेश मार्ग और मुख्य बिंदु हैं उन पर हम लोगों ने एक चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया है कि जंगल में प्रवेश करना अपराध है और अनाधिकृत प्रवेश के लिए जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दूसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं। तीसरा काम हम लोगों ने जो किया है, हम लोगों ने एक उड़नदस्ता एक बनाया है जो लगातार गश्त कर जंगलों में करता है और जो भी अनाधिकृत प्रवेश करने वाले लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है और जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ ऐसे जो वाहन जो अनाधिकृत रूप से जंगल में प्रवेश करते हुए पाए गए उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ ना करें जंगल में, जंगल में अनाधिकृत प्रवेश ना करें, अन्यथा की दृष्टि में जो है आपके खिलाफ जुर्माना, जेल और वाहन जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हम लोग चौथा बिंदु जो है प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग ले रहे हैं ताकि इस जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है उसको व्यापक तौर पर कार्रवाई की जा सके। और जंगल में प्रवेश अगर लोग नहीं करेंगे, अनाधिकृत प्रवेश नहीं करेंगे, तो अपराध की घटनाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी और इस तरह के अपराध नहीं होंगे। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित पुलिस सभागार में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह बैठक की गई है। जिन वाहन चालकों का नंबर प्लेट गाड़ियों पर नहीं है, नंबर प्लेट टेढ़ा और पूरा नंबर नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाकर चौराहों पर गाड़ियों को रोककर चेक किया जाएगा कि किस गाड़ी का नंबर प्लेट सही है या नहीं। अगर कोई गलत नंबर प्लेट पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, स्पेशली साहब ने कहा कि आप लोगों को बदलो दिया हुआ है कि मोती खोजने के बराबर हेलमेट खोज वो लोग भी चेकिंग कर रहे थे ना हेलमेट वापस की हम भी गौर करके देखिए वो हेलमेट नहीं लगा रहे उनका नंबर प्लेट किसी भी प्रकार आप लोग पकड़ में आओगे ऑटोमेशन से ऑटोमेशन में होगा ये ऑटोमेशन सबको दिखता है डेटा आपका जा रहा लखनऊ वो कहेंगे कि आपके चालान 24 करके बैठे हो 230। एक चीज़ सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जिसको आपने जिसका फोटो खींचते हुए जो आदमी देख लिया तो मेरे विचार से उसके मोबाइल नंबर रहे या ना रहे उसको अगर सर चालान कर दिया जाए वो तो अपना जरूर देखेगा कि मेरा चालान हुआ है कि नहीं हुआ है। फोटो खींच ली तो हंसते हुए चले जाते हैं, लगता है इनका फोटो हम लगाएंगे। वो जान रहा है ना कि नंबर है नहीं, चालान कर नहीं पाएंगे वो जान। तो ऐसे लोगों को चालान कर दिया कि उसमें एबीसी नंबर डाल करके इसलिए देखा नहीं ठीक है उसको छोड़ दीजिए लेकिन जो आपसे नजर मिला जैसे मैं आपसे बता दूँ कई कई फोटो देखता चला आपको फोटो देखने से पता चल जाएगा किस जगह का है ये, आप उसका डाल दीजिए काली माता। अरे कोई एडीजी साहब ने तो समय काली माता गोरखपुर होगी ठीक है। समस्या ये आ रही है कि जिन लोगों का नंबर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से और जो लोग ट्रैफिक वायोलेटर्स हैं जिनकी नंबर प्लेट आड़ी है तिरछी है या कुछ लोग प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ़ एक सघन अभियान चलाया जाएगा जिसमें चौराहों पर गाड़ियां रोक रोक के नंबर प्लेट देखी जाएगी कि पीछे से किसकी नंबर प्लेट का कोई अंक मिटा हुआ है या धुंधला है। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में हमने अपने ट्रैफिक के कर्मियों की मीटिंग की और ये हमारी ये
रेगुलर मीटिंग है। नॉर्मली हम लोग इंटरनल मीटिंग करते रहते हैं जिसमें आने वाली समस्याओं से निपटने की रणनीति बनाई जाती है और कर्मचारियों के वेलफेयर से संबंधित भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं। थैंक यू। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जो कार्य चल रहे हैं उसको समय अवधि में पूरा किया जाए, क्योंकि कुछ विकास कार्य ऐसे भी हैं जिनको जून में पूरा करना था, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर कार्यों को समय से पूरा नहीं किया गया तो सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिल्डिंग में ना सरकारी लुक आपको कम है, हमारा डिजाइन बढ़िया हो जाता है। ये सैनिक स्कूल कब तक हो जाएगा? जून 23 तक का टाइम। काम तो आपको प्रभावित तो होगा नहीं, प्लेटफॉर्म बनेगा उनका। आयुष में क्या प्लान कर रहे हो? एक बात यही ना, 15 दिन वहाँ बैठा दो, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। गेम को बढ़िया जो स्मार्ट गेम है वो 15 दिन वहाँ डेडिकेट कर दो। मैं अगर आपको विभाग और अधिकारी में नहीं होंगे भाई डाउट को कॉन्ट्रैक्ट में कर पाए निर्माण कौन था जो जून में कंप्लीट होना था नहीं हो पाया? नहीं, ये तो जून में ही होना था ना, जून में काम करना था। जनपद की आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सेवाती देवी ने बताया कि हम लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रशासन हम लोगों से ज्यादा काम कराकर कुछ कामों का ही पैसा देती है, वह भी पैसा आधा अधूरा मिलता है क्योंकि अधिकारी पैसा खा जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन 25,000 किया जाए और मुफ्त इलाज व सभी सुविधा मिले, क्योंकि हम लोगों को इलाज का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि सरकार बीपीएल कार्ड वालों का ही आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, अधिकतर लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए सीएमओ से शिकायत भी की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आशा कर्मचारी सेवाती देवी ने कहा हमारा नाम है सेवाती देवी, खोराबार ब्लॉक। प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार, हम लोग 2006 से हम लोग नियुक्त हैं, चार चीज का हमको पैसा देती है, 10 काम हमसे फ्री में कराती है। जैसे हम लोगों का 4 मद का 6 मद का पैसा मिलता है, वो भी आधा अधूरा। ब्लॉक मांगे हम लोगों की ये है कि हम लोगों को राज कर्मचारी घोषित किया जाए, कम से कम हम लोगों को 25,000 कम से कम 25,000 मानदेय मिला, और हम लोगों को मान लीजिए बीमार होने पर हम लोगों को सरकारी इलाज मिले, सुविधा मिले सरकार की तरफ से। हम लोग अगर बीमा करवाया गया लेकिन उसका हम लोगों को कुछ मिला नहीं प्रूफ, आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है, उसमें भी सबका नहीं है। उसमें भी एक नियम लगाए हैं लोग कि जिनका बीपीएल कार्ड रहेगा, अंत्योदय कार्ड रहेगा, उनका बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सबका अंत्योदय या बीपीएल कार्ड है, कहीं 10 लोगों में 1 लोगों 2 लोगों का है। तो ऐसे हम लोग दिन भर रात भर काम करते रहते हैं पुलिस के जैसा, लेकिन हम लोगों को मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, केवल प्रोत्साहन मिलता है,
₹100 होता है तो ₹50 कमीशन में लोग ले लेते हैं, ₹50 हम लोगों तक पहुंचता है। शिकायत की किसी से कमीशन ले लेते हैं तो? अब हम लोग शिकायत करते हैं तो उन्हीं लोगों में मिलजुल के हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े अधिकारी हम लोग CMO, हम लोगों का अधिकारी हम लोग CMO के पास जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम लोग देख लेंगे, और वो लोग देखने के बजाय क्या करते हैं कुछ, फिर हम लोगों को जवाब नहीं मिलता, फिर एक महीने के बाद फिर वही काम चालू हो जाता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने CDO संजय कुमार मीना के घर के बाहर पढ़ी नमाज, राह चलते व्यक्ति ने वीडियो किया वायरल। CDO ने कहा मामला संज्ञान में आते ही SPCT को कार्रवाई के लिए किया गया है निर्देशित। SPCT ने कहा नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति की जा रही है तलाश, की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 3 थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं करने वाले 4 अभियुक्तों को पिपराइज और शाहपुर थाने की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 15 जोड़ी सफेद धातु की पायल, 6 जोड़ी सफेद धातु की बिछिया, 1 जोड़ी पीली धातु का झुमका, 4 नाक की कील पीली धातु सहित चोरी का अन्य सामग्री किया बरामद। SPCT ने किया खुलासा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय रेल द्वारा 18 से 23 जुलाई तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक सप्ताह का चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर हुआ समापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वह नहीं कर सकता है अपने भविष्य का निर्माण। लूट के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के ₹300 नगद, घटना में प्रयोग डंडा किया बरामद, भेजा जेल। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। CDO ने कहा जनपद के 6,40,000 घरों में तिरंगा फहराने का है लक्ष्य, हर घर में तिरंगा का किया जाएगा वितरण। कुसमेही जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर वन विभाग ने लगाया प्रवेश निषेध का बोर्ड। DFO ने कहा अपराधी तत्व के लोगों को रोकने के लिए जंगलों में गश्त के लिए फॉरेस्ट कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। SP ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न। ने कहा आड़े टेढ़े और पूरा नंबर ना लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों में विलंब होने पर जताई नाराजगी, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ADM सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।